हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, हमने आज ननुआ की कलौजी बनाई है। आप इस तरह से बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसे लंच में, डिनर में, किसी वक्त बना करके खा सकते हो। चलिए आपको बताते हैं किस तरह बनाया जाता है ननुआ कलौजी। बने रहिए पूजा ब्लॉग्स में। आज हम ननुआ की कलौजी बनाएंगे। देखिए, इसके हम छील के ले लिए हैं ननुआ और आलू। ये देखिए, इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए, हमें दो दो इंच पे कट कर लेना है इसे। देखिए इस तरह से, और अच्छी तरह से इसे छील लेना है। ये देखिए इस तरह, और इसके बीच में भी इस तरह कट लगा देंगे। इसी में हम मसाले भरेंगे। इसी तरह सभी को कर लेते हैं। ये देखिए, अब अपने हिसाब से छोटा बड़ा जैसा आपको चाहिए उस हिसाब से आप रख लीजिएगा। ये देखिए हो गया। और आलू भी हम ले लेते हैं इस तरह से गोल कट में, पतली पतली में कट करेंगे। देखिए, इतना ही पतला हमें रखना है, ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, क्योंकि नेनुआ गल जाता है इसके लिए, ताकि उसके साथ में ये भी जल्दी से हो जाए, आलू भी हमारा। आप चाहे तो बिना आलू का भी आप बना सकते हो। देखिए हो गया। देखिए, सभी नेनुआ को हमने बीच से कट लगा दिए हैं इस तरह से बीच में। अब इनमें हम डालने के लिए, देखिए मसाला हमने यहाँ पे तैयार करे, सभी मसाले भुने हुए हैं। 2 चम्मच हमने धनिया पाउडर ले लिया है, जीरा पाउडर, लाल मिर्चा पाउडर, और साथ में हींग ले लिए हैं हमने 1/2 चम्मच, और हल्दी, और यहाँ देखिए मेथी का पाउडर है। ये सब चीज़ हमने भून के लिए हुए हैं इसमें। इनका हम मसाला बनाएंगे। इसमें देखिए हमने लहसुन मिर्चा का भी पेस्ट ले लिया है, और एक नींबू, देखिए ये रहा, इनको हम डालेंगे। इन सबको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, इसमें हम डाल देते हैं सभी को इस तरह से। ये देखिए, इसमें नींबू भी निचोड़ लेते हैं हम, एक नींबू। नींबू डालने से अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए, अब स्वाद के हिसाब से हम इसमें नमक डाल देंगे इसमें। ये देखिए इस तरह से, आप चाहो तो ऊपर से भी नमक डाल सकते हो। देखिए इस तरफ, इससे में डालेंगे तो अच्छा रहता है ये। ये देखिए, आप चाहो इसमें मसाला भी डाल सकते हो, अमचूर पाउडर या फिर अचार का कोई मसाला हो तो आप उसे भी डाल सकते हो। ये देखिए, इसे अच्छे से हम मिला लेते हैं। देखिए, हमने मसाला तैयार कर लिया है। सभी मसाले को इसमें हम भर लेंगे नेनुआ में इस तरह से। जिसे नेनुआ नहीं पसंद है, आप इस तरह से बना करके दीजिए, उन्हें भी अच्छा लगेगा खाने में। ये देखिए, सभी को हम इसी तरह भर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब अपने हिसाब से कम ज़्यादा जैसा आपको चाहिए उस हिसाब से मसाला भर लीजिएगा। ये देखिए, ये देखिए सभी हो गए हैं हमारे मसाले भर के। चलिए इन्हें हम तेल में फ्राई कर लेते हैं। देखिए तेल हो गया हमारा 5 फोरन। देखिए ये हो गया। अब सभी नेनुआ को हम इसमें डाल के फ्राई कर लेते हैं इस तरह से। तो धीमी आंच पे हम इसे फ्राई कर लेंगे अच्छे से। देखिए, इसे हमने अच्छे से फ्राई कर दिया है 1 मिनट के लिए। अभी सबको एक साइड कर लेंगे इस तरह से, और आलू को हम डाल देंगे इसमें। देखिए, आलू में भी हमने मसाले मिक्स कर लिए हैं। देखिए इस तरह से, अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसमें। देखिए अच्छे से मिला लेंगे हम इसे। देखिए ये हो गया। अब इसके ऊपर से हम सभी नेनुआ को इसके ऊपर कर देंगे। देखिए इस तरह से, देखिए हो गया। अब इसे 5 मिनट के लिए इसी तरह ढक देते हैं। देखिए इस तरह से ढक देते हैं इसे 5 मिनट के लिए, और धीमी आंच पे रखेंगे ताकि जले भी ना और जल्दी से ये हो जाए। 5 मिनट बाद एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं। 1 मिनट के लिए इसे ढक देते हैं। देखिए हमारी हो गई कलौजी तैयार। ये देखिए कितना अच्छे से ये हो गया है। ये देखिए, अब इस तरह से बनाएंगे, बहुत ही अच्छे से ये बनता है और अच्छा लगता है खाने में भी। जिन्हें नेनुआ नहीं पसंद है, आप इस तरह से बना करके उनको खिलाइए। देखिए हमारी नेनुआ की कलौजी हो गई है तैयार। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। आप किसी वक्त इसे बना करके खाइए, बहुत ही टेस्टी ये बनता है। जिसे नेनुआ नहीं पसंद है वो भी आपसे मांग करके खाएंगे, उन्हें भी अच्छा लगेगा। आपको हमारी रेसिपी पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।